हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं आपकी दोस्त हर्षा। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड हम आज गांव जा रहे हैं मेरे, क्योंकि मेरे ताऊ जी की बरसी है। उनकी डेथ को 1 साल हो गया है। उनकी डेथ पिछले साल कोरोना के टाइम हुई थी। हम पहाड़ियों में 1 साल बाद हम बरसी बनाते हैं। और भी लोग बनाते होंगे, 1 साल बाद सभी करते हैं, किसी की कुछ होता है, बट हम उसे बरसी बोलते हैं। एंड सारी फैमिली होगी दादी की साइड की। और तो ये एक वैसा टाइम, मतलब एक होता है कि किसी की डेथ के जाने का हम खाना खिलाना होता है। एक्चुअली बेसिकली इसमें होता है कि हम खाना खिलाते हैं सबको, एंड सारी फैमिली होगी तो एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा। बिकॉज़ आज के टाइम में सारी फैमिली एक साथ नहीं मिल पाती है, बिकॉज़ एवरीबडी इज़ बिज़ी विद देयर ओन वर्क, किसी को कुछ काम, किसी को ऑफिस, किसी को कुछ। सो मुझे लगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सारे के सारे मिलेंगे। मैं अपनी बुआ से मिलूँगी, क्योंकि मैं जब चली गई थी वापस आई हूँ, आई थिंक 3 साल हो गए मैं मिली नहीं हूँ किसी से भी। सो नविका भी सबसे मिल लेगी, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे देख रही हूँ कि अब हम सब मिलेंगे, एटलीस्ट एक गेट टुगेदर हो जाएगा। सो लेट्स गो, हम बस निकल रहे हैं। एंड आपको मैं मिलाऊंगी अपनी बुआ से एंड अपनी दादी की साइड की फैमिली से। नानी के घर भी जाएंगे, बट नानी के घर तो क्योंकि दादी का घर सामने पड़ता है तो इसलिए चले जाते हैं। बट अब मैं इस बार आपको अपनी दादी की साइड की फैमिली दिखाऊंगी, जिनके साथ ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल एंड ऑल, बट इस बार हम मिलेंगे। सो लेट्स गो। अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं, सुबह को जल्दी निकले थे, अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। नविका ने पॉटी कर दी है तो उसका चेंज भी करेंगे डायपर। छोके उठा मैं, गुड मॉर्निंग। अब हम क्या करेंगे ब्रेकफास्ट? नविका ने तो कर लिया ना ब्रेकफास्ट, करता रहता। एंड आई वॉन्ट टू एड वन थिंग, दैट ये वीडियो ना मेरी बहुत पुरानी है, पुरानी एज इन ये मेरी अप्रैल एंड की है, अप्रैल या मई स्टार्टिंग की है। सो मेरे पास मतलब टाइम ही नहीं मिला इस वीडियो को एडिट करने का, या आप ये कह सकते हो कि मेरे पास इतना सारा उस टाइम वीडियोज़ मतलब स्टॉक में थी, एंड देन बीच में मैं बिजी भी थी, तो इसकी वजह से मैं इस वीडियो को एडिट नहीं कर पाई। सो नाउ आई एम पोस्टिंग इट, सो या आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें मतलब होंगी, जैसे नविका अब गंजी हो गई है, मेरे बाल भी अब शॉर्ट हो गए हैं, तो आपको दिख जाएगा देखकर। बट या सो ये सॉरी फॉर दैट कि मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। दोज हु आर न्यू इन माई चैनल, सो आई एम फ्रॉम बिजनौर। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं गढ़वाली हूँ, पहाड़ी हूँ, बट मेरी जो नानी और जो दादी हैं वो बिजनौर मतलब प्लेन्स के साइड सेटल और हैं। सो हम बिजनौर में, हमारा गांव है छोटा सा, एक मेरापुर है मेरी नानी का और कादराबाद है मेरी दादी का गांव। सो हमें ना बीच में कहीं काम था, तो हम इस बार दूसरे रूट से गए थे, तो हम काशीपुर गए पहले, तो काशीपुर में हमें कुछ काम था। एंड देन जब हम आ रहे थे, क्योंकि हम लेट हो गए थे तो हमें लंच करना था, तो हम यहाँ पे हम लंच करने के रुके थे। ये बहुत ही डिफरेंट सा था, अच्छा सा था एंड क्लीन सा लग रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे लंच किया। एंड फाइनली हम दादी के घर पहुँच गए हैं, और दादी का घर दादी के बिना तो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा दादी का घर है। एंड ये जो साइड में देख रहे हैं ये मंदिर है, यहाँ पे ग्रिल लग गए हैं, पहले यहाँ पे ग्रिल नहीं होते थे। और हम ना दिन में क्या करते थे, कूद कर जाते थे, हम पूरा टाइम यहाँ पे रहते थे और बहुत खेलते थे और बहुत हल्ला मचाते थे। खुश कितना हो रही है वो भी तेरे को देख नवु, जय कर दो नवु, जय जय कर दो, जय जय कर दो।
और मुझे गांव का एक बेस्ट पार्ट ये लगता है कि देखो यहाँ पे सारे के सारे रात में गांव वाले आ गए हमारी हेल्प करने के लिए। सारी लेडीज़ जो हैं एक साथ बैठ के रोटी बना रही हैं एंड जो जेंट्स हैं वो सर्व कर रहे हैं सबको। सो यहाँ पे ना गांव में ही अपनापन है। एंड ना कुछ इस दिन फेस्टिवल था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। सो यहाँ पे ना मंदिर के सामने ये जो औरतें थी ये सब कुछ गाना गा के दे वर डांसिंग एंड बड़े डिफरेंट था। मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मुझे फेस्टिवल का नाम नहीं याद आ रहा क्या था, बट कुछ तो हो रहा था उस दिन यहाँ। देखो नेक्स्ट डे हो गया, हम अपने नानी के घर गए थे सोने के लिए एंड आज गांव वाले, कल सारे फैमिली वाले थे एंड आज जो गांव में और लोग हैं उनका लंच है एंड हम लेट हो गए। किसकी वजह से? मामू की वजह से लेट हुए हम, है ना। मतलब मैं तो सोना सोना बच्चा नहा गया था। चलो सो इस दिन क्या होता है कि पहले 5 पंडित होते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है। सबसे पहले पंडित खाएंगे एंड देन उनको हम दक्षिणा देते हैं। सो यहाँ पे दक्षिणा में जैसे चावल हो गए एंड एक जोड़ी कपड़े हो गए, मतलब इस टाइप का कुछ देते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। सो ये मेरे पापा उनको दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, देन पैसे दे रहे हैं, देन कुछ दक्षिणा जो होती है, यू कैन से कि पंडितों को दक्षिणा देना होता है, उनको पहले खिलाते हैं देन उनको दक्षिणा देते हैं, उसके बाद हम लोग सब खाएंगे। देन पंडितों के खाने के बाद जैसे कि मैंने बताया फिर अब सारे गांव वाले खाएंगे। तो एक एक करके आ रहे थे बिकॉज उस टाइम बहुत गर्मी थी, तो देख सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो लोग आराम आराम से आ रहे थे। एंड ये खाने में मीठे चावल, कढ़ी, सब्जी एंड ये बहुत यमी हो रहे थे, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो इतने यमी हो रहे थे ना। और ये मेरी बुआ है सबसे बड़ी, ये नविका के लिए गिफ्ट लाई थी क्योंकि नविका को फर्स्ट टाइम देख रही थी, ये गले में पहनने के लिए, हाथों के लिए। और ये मेरे साइड में छोटी बुआ है एंड यहाँ पे गांव के और बहुत सारे लोग आ गए थे, सब ने नविका को कुछ ना कुछ दिया। सो जो गिफ्ट नहीं लाए थे उन्होंने नविका को पैसे दिए। सो ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सब ऐसे प्यार करते हैं। एनीवेज गाइस, दिस इज़ इट फॉर माय टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज, टेक केयर, बाय बाय।